कोटा में दिल्ली मुंबई रेल लाइन पर आज एक बड़ा हादसा होने से टल गया। दिल्ली मुंबई रेल लाइन पर पटरी में फ्रैक्चर दिखाई दिया। जिस जगह से ट्रैक टूटा हुआ था वहां से चंद मिनट बाद ही मुंबई जयपुर सुपरफास्ट ट्रेन गुजरने वाली थी। ये ट्रेन 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती है। गनीमत ये रही कि रेल लाइन के निरीक्षण के दौरान लाइनमैन रामेश्वर मीणा की नजर पटरी के बीच हुए फ्रैक्चर पर पड़ गई और उन्होंने तुरंत लाल झंडी दिखाकर मुंबई सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन को रुकवाया। करीब आधे घंटे तक ट्रेन को रोका गया और उच्च अधिकारियों को इसकी सूचना दी गई। ट्रैक को दुरुस्त करने के बाद इसके ऊपर से ट्रेनों को धीमी गति से निकाला गया। कोटा में एक निजी विद्यालय को बम से उड़ाने की धमकी वाला मेल मिलने की सूचना पर हड़कंप मच गया। पुलिस टीम अलर्ट होकर स्कूल पहुंच गई और स्कूल प्रशासन से बातचीत की तो पता चला कि स्कूल को कोई धमकी वाला मैसेज नहीं मिला। दरअसल किसी ने निजी विद्यालय को बम से उड़ाने की धमकी वाला मैसेज सोशल मीडिया पर वायरल किया था। इसके बाद पुलिस खुद स्कूल पहुंच गई। पुलिस लवाजमे को देखकर स्कूल प्रबंधन भी हैरान हो गया। जांच में पता चला कि कुछ वक्त पहले दिल्ली में इसी नाम के एक स्कूल को धमकी वाला मैसेज मिला था। कोटा में भी उसी नाम का स्कूल होने के चलते किसी ने सोशल मीडिया पर मैसेज वायरल कर दिया। सूचना अफवाह साबित होने के बाद पुलिस वापस लौट गई। कोटा की बेटी अरुंधति बुल्गारिया में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। 12 फरवरी को बुल्गारिया में होने जा रही 75वें स्टेंजा मेमोरियल बॉक्सिंग कप के लिए अरुंधति का सिलेक्शन हुआ है। भारतीय बॉक्सिंग खिलाड़ी अरुंधति का सेना सर्विसेज की भारतीय टीम में चयन हुआ है। कोटा की बेटी अरुंधति अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता में 6 बार गोल्ड, 1 बार सिल्वर और 1 बार कांस्य पदक जीत चुकी हैं। एक बार फिर से भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व के लिए चयन होने पर अरुंधति के कोच अशोक गौतम, मुक्केबाज संघ के अध्यक्ष सुरेश चौधरी ने अरुंधति को बधाई दी है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय संयोजक व गुजरात के प्रभारी इंजीनियर इंसाफ अली आजाद गुजरात पहुंचे, जहां उन्होंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के गुजरात पहुंचने से पूर्व यात्रा के रूट मैप के मुताबिक आवश्यक व्यवस्थाओं और तैयारियों का जायजा लिया। गुजरात में महसाना, विसनगर, मंडाली सहित कई इलाकों में यात्रा पहुंचेगी, जिसकी तैयारियों के बारे में इंजीनियर इंसाफ आजाद ने फीडबैक लिया। ब्लड बैंक में रक्त की कमी को देखते हुए पार्षद हरिओम सुमन के जन्मदिन के मौके पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। सिविल लाइन्स खंड गावड़ी क्षेत्र में लगाए गए शिविर में युवाओं और क्षेत्रवासियों ने रक्तदान किया। शिविर में 313 यूनिट रक्त एकत्र किया गया। कोटा की खबरों से अपडेट रहने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें कोटाखबर.com पर और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।